राजेंद्र, डॉक्टर प्रदीप, डॉक्टर लीना, प्रिंसिपल्स, हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स, मेंबर्स ऑफ द स्टाफ एंड डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर चूजिंग ए कोर्स विच इज डेडिकेटेड टू ह्यूमैनिटी. You are the lucky ones who have chosen this profession. So first, congratulations to you for being in the noblest of the noble professions. Two, congratulations for being into a college which is one of the premier colleges as far as Ayurvedic education is concerned and is one of the oldest colleges also. Now, as Dr. Anju was telling you certain qualities about doctor, I will carry on further. And I will start with a small anecdote जो हमारे सबके लिए बड़ा important है. एक डॉक्टर के पास मरीज गया और उस मरीज ने कहा कि डॉक्टर साहब, मैं जहां पर अपनी उंगली लगाता हूं अपने शरीर में वहीं पर दर्द होता है. डॉक्टर ने उसे बड़े अच्छे से चेक किया और उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि दर्द तेरे शरीर में नहीं है, दर्द तेरी उंगली में, जहां तू लगाता है वहीं दर्द होता है. सो दैट इज द डिफरेंस यू हैव टू पिक अप. एंड देन डॉक्टर अंजू वाज फर्दर टेलिंग यू कि हम न केवल आपको सिलेबस पढ़ाते हैं परंतु आप कैसे अच्छे डॉक्टर बने, पहले अच्छे इंसान बने, उसकी भी शिक्षा यहां पर दी जाती है. अब इन दोनों चीजों में भेद अगर आप समझ पाए तो आपका जीवन बदल सकता है. एक तो शिक्षा जिसे शिक्षक देते हैं और शिक्षकों की इस दुनिया में कोई कमी नहीं, और जो शिक्षक शिक्षा देते हैं वो आजकल केवल क्लासरूम में उपलब्ध हो ऐसा नहीं है, वर्चुअल क्लासरूम्स भी है, इंटरनेट पर भी आपको वो सारी चीजें, वो सारी सिलेबस की बातें, सब इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है. परंतु जिस चीज पर मैं आना चाहता हूं वो है शिक्षा से कुछ बढ़कर, वो है दीक्षा. यानी शिक्षा तो आपको शिक्षक देंगे और दीक्षा कौन देगा? दीक्षा देंगे गुरु. अब शिक्षक और गुरु में भेद क्या है? शिक्षक वह जो तुम्हें ऐसी शिक्षा दे जो तुम्हें संसार से मिला, यानी तुम्हारी जीविका कैसे चले, तुम्हारी जेब में पैसे कहां से आए, तुम अपनी डिग्री का इस्तेमाल कैसे करो, ये सब बातें शिक्षा में आती. और दीक्षा क्या है? दीक्षा वह जो तुम्हें अपने आप से मिला. हम पूरी दुनिया की खबर रखते हैं पर अपने आप की कोई खबर नहीं रखते, और जो तुम्हें अपने आप से मिलाए वही सही मायने में गुरु हो सकता है. शिक्षक भी गुरु हो सकता है और गुरु शिक्षक भी हो सकता है, परंतु दोनों चीजों में थोड़ा सा भेद है. इसीलिए गुरु को हम
हमने कहा दो शब्दों से बना है, रू और रो, यानी जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो हमें जड़ से चेतन करे, जो हमें मूर्छा से होश में लाए, जो हमें बूंद से मोती बना दे और जो हमें मोती से माला बना दे। ये है गुरु का कार्य। आपने अनेक गुरुओं के नाम सुने, चाणक्य का नाम आप लोगों ने सुना, द्रोण का नाम आप लोगों ने सुना, गुरु समर्थ रामदास का नाम आप लोगों ने सुना, पतंजलि का नाम आप लोगों ने सुना, पाणिनि का नाम आप लोगों ने सुना, धन्वंतरी का नाम आप लोगों ने सुना, चरक का नाम आप लोगों ने सुना, सुश्रुत का नाम आप लोगों ने सुना और अनेक शिष्यों के नाम भी आपने सुने। आरुणि का नाम सुना आप लोगों ने? नहीं तो फॉलो किसको करो? ये जो पहले मैंने नाम लिए उनको फॉलो करना तो हमका काम है, जो आगे लोग बैठे हैं हम सबका काम है, पर जो पीछे लोग बैठे हैं उन्होंने किसको फॉलो करना? आरुणि को, आरुणि का नाम आप लोगों ने सुना नहीं, उपमन्यु का सुना? कितने लोगों ने उपमन्यु का नाम सुना? एक वन है। उतंक का नाम आप लोगों ने सुना? चंद्रगुप्त का नाम आप लोगों ने सुना? सुना? आसान है, फिर भी दो तीन लोगों ने सुना। शिवाजी मराठा का कितने लोगों ने सुना? अच्छे से हाथ उठाओ, जब हाथ उठाना है तो ये ऐसे ऐसे वाला नहीं चलने का। वेरी गुड। अर्जुन का नाम कितने लोगों ने सुना? वेरी गुड। एकलव्य का नाम कितने लोगों ने सुना? स्टिल गुड। सो जो इतने नाम मैंने लिए ये उत्तम किस्म के पात्र थे, शिष्य थे, जिन पर गुरु की कृपा बरसी। क्या आप सब लोग ऐसे पात्र बनना चाहेंगे, ऐसे सुपात्र बनना चाहेंगे? कौन कौन लोग ऐसे सुपात्र बनना चाहेंगे? Yes, don't be shy, raise your hands. You see, asking questions, following the teacher in the class is very important. I'll tell you a very small story. एक स्टोरी जो मैंने तीसरी क्लास में सुनी थी, और स्टोरी क्या थी कि मछुआरों के देश में कुछ दूसरे एलियंस, इनको बोलते हैं ना, दूसरे ग्रह से कुछ लोग आए। उन लोगों के पास एक ऐसी चक्की थी जिससे जो मांगा जाए वो मिल जाता। अब जो ये बोने या एलियंस लोग आए, उन मछुआरों ने एक दिन उन्हें मालपुए खिलाए। मालपुड़े समझते हो? किस किस ने खाए? मालपुड़े उनको खिलाए। उन एलियंस को मालपुड़े बड़े अच्छे लगे, और इन मालपुड़ों के बदले में उन एलियंस से मछुआरे जो मांगे वो उन्हें दे दें, और वो उन्हें मालपुड़े खिलाते। अब उन मछुआरों के पास नमक की कमी थी, नमक नहीं मिलता था, समुद्र के किनारे रहते थे परंतु नमक नहीं मिलता था। तो उन्होंने इन बोनों से कहा कि तुम ये चक्की हमें दे दो, हमें नमक चाहिए, पर बदले में हम तुम्हें मालपुड़े खिलाते रहे। इन्होंने मछुआरों को चक्की दे दी, मछुआरों ने वो चक्की नाव में रखी और समुद्र के बीच जाकर नमक निकालना शुरू कर दिया। नमक निकलता गया, नाव में भरता गया, एंड द एंड रिजल्ट वाज कि वो नाव उस नमक के भार से डूब गई। टीचर ने जब ये कहानी सुनाई, टीचर ने ये कहानी खत्म कर दी, पर मैंने एक प्रश्न किया
मैंने कहा जब उन बोनों के पास, उन एलियंस के पास ऐसी चक्की थी जो कुछ मांगो वो दे सकती थी, तो उन्होंने माल कोड़े उस चक्की से क्यों नहीं मांग लिए? तो मुझे टीचर ने कहा बैठ जा, फजूल के सवाल करता। मेरे को बड़ी अच्छी सी डांट पड़ी, पर मैंने बुरा नहीं माना। मैंने अपना प्रश्न पूछने का सिलसिला अपनी क्लास में हमेशा जारी रखा, और यह प्रश्न पूछने का नतीजा था कि मैं प्रश्न पूछते पूछते इस सिचुएशन में पहुंच गया, और जो मेरे बाकी साथी थे उनका कोई नाम लेवा नहीं। क्लास में नेवर बी शाय, नेवर हेसिटेट टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम योर टीचर्स, बिकॉज दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द राइट एज, दिस इज द राइट क्लास व्हेन यू कैन आस्क क्वेश्चंस। नाउ आई एम इन अ पोजीशन, इवन इफ आई एम इन डाउट आई कैन नॉट आस्क क्वेश्चंस, बट यू सर्टेनली कैन आस्क क्वेश्चंस। डू नॉट लीव दिस टाइम, एंड इफ यू विल वेस्ट दिस टाइम ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, होल लाइफ यू विल नॉट हैव आंसर्स to the life. So therefore, it is very important. One important sutra for you is that you must ask questions in the class. One, it will clear your doubts. Two, it will always keep the teacher on toes. Teacher will always come prepared in the class because he knows, yes, this is the class where students are going to ask questions. And if you will not ask questions, believe me, the teacher cannot raise standard of his talks. So you must ask questions from the teachers. Maybe they appear to be silly. Maybe the others laugh at you. Maybe the others, they pull your shirt back. But continue to ask questions. And believe me, if you will continue to ask questions, you will succeed in your life. Nobody can stop your success. Because asking questions needs courage. So you need to be courageous. Sahas hona chahiye apne andar. Sahas kaisa ho? Subhash Chandra Bose ka naam suna aap logon ne? Tum mujhe khoon do, main tumhe azadi dun. Subhash Chandra Bose was selected in ICS. That time they were the best services. And he was to be interviewed after clearing the examinations. He was to be interviewed by Montague, who was in charge of the Indian affairs. Now, Subhash Chandra Bose goes to Montague. Montague is sitting on his chair. Subhash Chandra Bose is standing in front of Montague. Subhash Chandra Bose says, "Sir, I do not want to do these services. I have been selected, but I am resigning." Montague is stunned. He is amazed. He is astonished. कि ऐसा बालक जो सबसे बढ़िया सर्विस को लात मार रहा है। Montague ने कहा, तुम इसका परिणाम जानते हो? तुम दुनिया की सबसे अच्छी सर्विसेज को लात मार रहे हो। तुम्हें मालूम है इस नौकरी को छोड़ने के बाद तुम्हें कितना कष्ट सहना पड़ेगा, कितनी पीड़ा सहनी पड़ेगी, रोटी के लिए मोहताज हो जाओ। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि सर, मैंने अपने आप को उन कष्टों के लिए, उन पीड़ाओं के लिए, उन दुख के लिए, उस संताप के लिए तैयार किया है। मैंने दो आने में अपने रोजी को कैसे चलाया जाए ये सीख कर आपके पास आया हूं, और उस सीखने के बाद मेरे अंदर साहस है कि मैं आपको ये कह सकूं कि मैं इस सर्विसेज को ज्वाइन नहीं करूंगा। He had the courage, and that is why we worship him in our country. Because he had the courage, one, to leave the best job. Two, he had the courage to say it to the highest officer. Three, he had the courage to live with the hardships of the life. And fourth,
ही सेड टू मॉन्टेग्यू दैट बड़े त्याग से ही बड़ी चीजें उपलब्ध हो सकती है, और मेरा त्याग मेरी मातृभूमि के लिए, मेरा त्याग मेरे देश के लिए है, और जब तक मेरा देश प्राधीन है मैं ऐसी नौकरी कर नहीं सकता। यह था साहस, त्याग और बलिदान सुभाष चंद्र बोस जैसे व्यक्ति का, जिनकी वजह से आज हम इस देश में खुली हवा में सांस लेते हैं। सो क्या ऐसा साहस पैदा कर सकते हो तुम अपने अंदर? क्या ठीक को ठीक कह सकते हो तुम अपने अंदर? क्या तुम्हारे अंदर जो बलबले उठे, जो डाउट्स उठे, जो संशय उठे, जो संदेह उठे, उनको पूछ सकते हो अपने अध्यापक से? यदि हाँ तो तुम एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हो, अन्यथा जीवन में कभी अच्छे डॉक्टर बन नहीं सकते, बिकॉज किसी भी साइंस के स्टूडेंट के लिए सात अंकल हमारे अध्यापक कहा करते थे, सेवन अंकल्स, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हुम, हूज, दे आर सेवन अंकल्स, एंड इफ यू कैन वे एवरीथिंग ऑन द आल्टर ऑफ द सेवन अंकल्स, यू विल सर्टनली बी अ स्टूडेंट विद साइंटिफिक टेम्परामेंट। यानी आप एक ऐसे स्टूडेंट बनेंगे जिसका टेम्परामेंट साइंटिफिक है। यदि आप ये प्रश्न नहीं पूछेंगे तो जीवन में कभी जितने भी संदेह आपके मन में आएंगे वो संदेह कभी दूर नहीं होंगे। और लाइफ में क्लैरिटी का होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू डू नॉट हैव क्लैरिटी, इफ यू डू नॉट हैव क्लियर कट गोल, इफ यू डू नॉट हैव ए क्लियर कट एम, इफ यू डू नॉट हैव ए क्लियर कट ऑब्जेक्टिव इन फ्रंट ऑफ यू, यू कैन नॉट सक्सीड इन योर लाइफ। इफ आई आस्क यू what is your goal, I am sure out of 60 50 will reply ki goal ka pata nahi hai. Can you write all of you on a piece of paper what is the goal of your life? It will be a homework for me. I will carry that paper and I will try to analyze. You have a piece of paper, all of you, do you have a piece of paper? All of you have a pen? By the time I continue to speak, you can write on a piece of paper what is the goal of your life. So that it will be a homework for me, not for you. You just write and be free. क्योंकि यदि हमारे जीवन में, जैसे मैंने कहा, क्लैरिटी नहीं है, तो हम अच्छे काम करते हुए भी जीवन में बहुत गलत काम करते हैं। एल्फ्रेड नोबल का आप लोगों ने नाम सुना? एल्फ्रेड नोबल, नोबल प्राइज देते हैं हम लोग, नोबल प्राइज का नाम तो सुना तुम लोगों ने, जिसके नाम से शुरू हुए उसका नाम था एल्फ्रेड नोबल। एक साइंटिस्ट था, लैब में लगा रहता था, माइंड में क्लैरिटी नहीं थी कि जो आविष्कार हम करें वो मानवता के काम आए या मानवता का विनाश करे, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जो भी हम रिसर्च करें, जो भी हम काम करें, वेदर इट विल बी यूजफुल टू द मैनकाइंड और नॉट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर हम ये अपने ध्येय में ना रखें तो हमारे साथ भी वही होगा जो एल्फ्रेड नोबल के साथ, क्योंकि एल्फ्रेड नोबल साइंटिस्ट तो था पर आविष्कार उसने किस चीज का किया? आविष्कार उसने किया डायनामाइट, और उसने पूरे के पूरे विश्व को एक बारूद के ढेर पर लाकर खड़ा कर दिया। और फिर उसे पछतावा भी बहुत हुआ, परंतु तब तक देर बहुत हो चुकी, और जब पछतावा हुआ तो उसने अपनी सारी संपत्ति, जितनी भी उसने कमाई थी, इस नोबल पीस प्राइज के लिए, या नोबल प्राइज जो और अन्य कई विधाओं में दिया जाता है, उसके लिए दान कर दी और अपने लिए एक कौड़ी भी नहीं। बट दैट वॉज टू लेट। यदि वो लाइफ में अपना मीनिंगफुल ऑब्जेक्टिव, अपना सर्विस ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव पहले से रखता तो जो पछतावा बाद में हुआ वो शायद उसे कभी नहीं हुआ। और दूसरी बात बता, जब भी हम किसी काम में लगे उस काम में करते करते हम अपनी लाइफ का बैलेंस कभी ना खोएं।
WHO की डेफिनेशन है हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल सोशल एंड स्पिरिचुअल वेल्थ। चार एस्पेक्ट WHO ने दिए और हम अपनी पढ़ाई करते करते अपनी सेहत खराब ना कर लें, हम पढ़ाई करते करते अपने समाज से दूर ना हो जाएं, हम पढ़ाई करते करते अपने अध्यात्म से दूर ना हो जाएं, अपने धर्म से दूर ना हो जाएं, इसलिए हमने इन नव इकाइयों का गठन इस संस्थान में किया, जिसकी विवेचना विस्तृत जानकारी आपको डॉक्टर अंजू ने दी। राइट फ्रॉम डे वन ट्राई टू बी ए मेंबर ऑफ वन ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन, वन ऑफ दीज क्लब्स, बिकॉज दे विल हेल्प यू डेवलप इनटू ए बैलेंस्ड ह्यूमन बीइंग, एंड बैलेंस इन लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अल्फ्रेड नोबल का उदाहरण आप लोगों को दे रहा था, नोबल को 40 साल में होश आया तो तब शादी करने की सोची, अपनी जवानी तो उसने अपनी रिसर्च में निकाल दी, सोचा ही नहीं कि मेरे को शादी भी करनी है, और 40 साल की उम्र में ख्याल आया कि मैं शादी करूं, दैट टाइम इट वाज टू लेट, उस टाइम कोई लड़की नहीं। इसलिए जो भी काम जीवन में करो उसको बैलेंस बना के करो, और जीवन में अनेक चीजें हैं, समय बहुत कम है, बट वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू कि हमारा काम सिर्फ और सिर्फ कि वो चांद है ये उंगली दिखाने का, इशारा करने का। चांद तक कैसे पहुंचना है ये आप लोगों को करना। वी कैन ओनली टेल यू दैट दिस इज द थिंग, वी कैन ओनली शो यू द पाथ, टू ट्रीड ऑन दैट पाथ इज योर जॉब, आर वर्क इज टू शो यू ए मिरर। टीचर का काम सिर्फ इतना है कि आपको एक शीशा दिखाए, एक दर्पण जैसे कार्य करता है कि जिस दर्पण में हम अपने आप को देख सकते हैं, टीचर का काम सिर्फ इतना ही है कि आपको वो शीशा दिखा। अब शीशे में आप क्या देखते हैं इज योर चॉइस। मैंने सुना कि एक प्रदर्शनी लगी, एग्जीबिशन लगी, उसमें कोई मेरे जैसे आदमी को जज बुला लिया गया, मैंने पहली देखी, अब आर्ट में मेरा क्या काम है, आर्ट की प्रदर्शनी थी, मैंने देखा मुझे पसंद नहीं आई, दूसरी देखी वो पसंद नहीं आई, तीसरी देखी वो पसंद नहीं आई, चौथी देखी तो मेरे को दिखा कि भी ये मोटा सा आदमी, थोड़ा सा गंजा सा आदमी इसमें दिखाई दे रहा है। मैंने कहा यार ये सारी पेंटिंग तो समझ में आती है, इस मोटे और गंजे आदमी को यहाँ दिखाने की क्या आवश्यकता थी। तो उसने कहा सर ये पेंटिंग नहीं है, ये मिरर है। सर दिस इज कि ये दर्पण है, टीचर का काम एक दर्पण है, आपको शीशा दिखाना टीचर का काम है, उसके अंदर आप क्या देखते हैं दिस इज योर चॉइस, दैट इज वन।